उद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबर उद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, एमआरएफ जिंदाबाद, एमआरएफ जिंदाबाद, एमआरएफ जिंदाबाद, एमआरएफ जिंदाबाद। नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजे सबके सामने आ गए हैं। 5 राज्यों में चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से काफ़ी उम्मीद थी मगर उम्मीद पूरी नहीं हुई। बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से काफ़ी उम्मीद थी मगर उम्मीद पूरी नहीं हुई। कहीं ना कहीं मोदी लहर अब खत्म होते दिख रही है। तो वहीं कांग्रेस खुशी का जश्न मना रही है। ये पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं तेलंगाना में एमआईएम ने भी 7 सीटों पर परचम लहरा दिया है। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 8 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से 7 सीटों पर एमआईएम ने जीत दर्ज कराई है। इस चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए हैं, कांग्रेस और एमआईएम के कार्यकर्ता जश्न मनाने में लगे हुए हैं। आपको मुंब्रा की एक तस्वीर दिखाते हैं। एमआईएम के 7 सीट जीतने के बाद किस तरह से एमआईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर पटाखे फोड़ रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। आज 5 राज्यों के इलेक्शन के परिणाम आए हैं, रिजल्ट आए हैं उनके, और उसमें खास करके जो तेलंगाना में रिजल्ट आया है, उस तेलंगाना के अंदर हमारी जो पार्टी है, हम सारे लोग जिससे जुड़े हैं, मजलिस इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन, एमआईएम, आज एमआईएम ने तेलंगाना के अंदर 98% जो है अपनी जीत दर्ज करवाई है। 8 में से 7 सीटों पर हमने जीत हासिल की है, मजलिस से जीत हासिल की है। हमारे कायद नकीम मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में, हबीब मिल्लत जनाब अकबर उद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर जो हमने अपना किला जो है वो बचाया ही नहीं बल्कि और मजबूत किया है, उसका हम जश्न मना रहे हैं, उसकी हम खुशी मना रहे हैं। और हम एक नई ऊर्जा अपने अंदर पैदा कर रहे हैं, एक नया अज़्म पैदा कर रहे हैं कि यही बदलाव जो तेलंगाना से जिसकी लहर शुरू हुई है वो इंशाल्लाह मुंब्रा के अंदर भी वो बदलाव नजर आएगा। इस चुनाव में जिस तरह से मोदी लहर खत्म होती नजर आई है उससे बीजेपी को सीख लेनी चाहिए। चुनाव मंदिर मस्जिद के मुद्दे से नहीं, विकास के मुद्दे से लड़ा जाता है। जहाँ बीजेपी के मंच से राम मंदिर मुद्दा उठाया जाता था, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मंच से राहुल गांधी किसानों की समस्या को लेकर मुद्दा उठाते थे। शायद यही फर्क था जो मध्य प्रदेश में बीजेपी को 110 और कांग्रेस को 113, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 68, राजस्थान में बीजेपी को 73, कांग्रेस को 100, तो वहीं तेलंगाना में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 21, वहीं एमआईएम को 7 सीटें मिली हैं। मिजोरम में भी बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 5 सीटें हासिल हुई हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।